hello everyone rahul sharma this side from equity 99 and i welcome all of you to this daily market outlook and important stocks from equity 99 this video is for 11th december 2020 which is friday last day of uh, this week trading session तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें निफ्टी लेवल्स दोस्तों निफ्टी लेवल्स में हमें सबसे पहले क्लोजिंग मिली है निफ्टी की तेरह हज़ार चार सौ के लेवल पर अब तेरह हज़ार चार सौ सत्रह का जो लेवल है सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है निफ्टी के लिए इसके नीचे अगर निफ्टी जाती है तो तेरह हज़ार तीन सौ छप्पन और तेरह हज़ार दो सौ इक्यावन इसके दूसरे और तीसरे सपोर्ट पॉइंट्स हैं सिमिलरली आप अपर साइड में देखेंगे तो 13,521 सबसे पहला हर्डल पॉइंट है यानी कि रेजिस्टेंस है पहला निफ्टी के लिए इसके क्रॉसओवर होने के बाद में 13,564 और 13,668 के लेवल भी आ सकते हैं ये इसके दूसरे और तीसरे रेजिस्टेंस लेवल हैं निफ्टी के लिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं बैंक निफ्टी लेवल्स तो बैंक निफ्टी लेवल में सबसे पहला हमें लास्ट क्लोजिंग जो मिला है वो तीस का है अब तीस का जो लेवल है सबसे पहले वो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट पॉइंट है पहला अगर ये टूट के और नीचे जाती है बैंक निफ्टी तो तीस हज़ार बत्तीस और उनतीस हज़ार छः सौ पच्चीस इसके दूसरे और तीसरे सपोर्ट पॉइंट हैं अपर डायरेक्शन में देखेंगे तो तीस हज़ार छः सौ अस्सी का जो लेवल है वो सबसे पहला हर्डल पॉइंट है यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है इसके क्रॉस ओवर होने के बाद में बैंक निफ्टी तीस हज़ार आठ सौ अड़तालीस से लेकर इकत्तीस हज़ार दो सौ छप्पन तक के लेवल तक जा सकती है तो ये इसके दूसरे और तीसरे रेजिस्टेंस पॉइंट हैं अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं स्टॉक्स जो आज इस वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं सबसे पहले वेल्सपन कॉर्प दोस्तों ये हमने पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल पे रेकमेंड किया हुआ है वेल्सपन कॉर्प में जो लास्ट क्लोजिंग हमें मिली है एक सौ के पास में वन थर्टी मिली है चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया बुलिश है काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर यहाँ पर आप किसी भी गिरावट परचेज़ करें एक का रखना होगा स्टॉप लॉस और 135 से लेके कर और 150 के लेवल आपको कुछ ही दिनों में आते हुए देखेंगे वेल्समन कॉर्प के अंदर आगे बढ़ते हैं देखते हैं दूसरा स्टॉक तो दूसरे स्टॉक में हम ले रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अब इसमें लास्ट क्लोजिंग मिली है सेवन की चार्ट पर इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बुलिश है और सात का तक आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं सात सौ का रखना होगा स्टॉप लॉस और 740 से लेके 750 और सात के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे अपर डायरेक्शन में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर तो दोस्तों ये थे हमारे स्टॉक्स जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव बड़ी बनी हुई है इसका मतलब वॉलीटिलिटी भी बढ़ रही है आप यहाँ पे किसी भी समय प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छा खासा आता हुआ दिख सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज भी मार्केट में आगे कंटिन्यूड रहेंगी तो थोड़ी वॉलीटिलिटी हमें एक्सपेक्टेड है तो आप कौश रह के ज़रूर ट्रेड करें थैंक यू सो मच दिस वॉज राहुल शर्मा फ्रॉम इक्विटी नाइन्टी नाइन हैव अ वेरी नाइस डे